परिवार के साथ में आप पूजा कर रहे हैं, जैसे कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, हम ध्यान नहीं दे रहे किसी के तरफ रहे हैं। उधर गए नहाने और दोनों आदमी बाजी लगा रहे हैं कि कौन तैर रहा है। ये जो तैयारी देख रहा है, अभी हम लोग जा रहे हैं इधर बगल में ही एक घाट है, वह घाट पे अभी जो चैती छठ आ रहा है, उस चैती छठ का थोड़ा बहुत शूटिंग करना है, वीडियो आपको दिखाएगा, शॉर्ट वीडियो आपको बन के दिखाएगा, तो वो देखिएगा। अभी हम लोग उसी के लिए जा रहे हैं। बाकी इधर हमारे घर में भिंडी कटा रहा है। हाँ, आरोही को देख रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं पहलेजा घाट, लेकिन आरोही को पढ़ने जाने का आज मन नहीं, तो बोली साथे चलिए, वो का चल कहे ना चलवे, चल ना स्कूल छोड़ देबो, तो इस गाड़ी से तोरा का दिक्कत हो, चल तोरा स्कूल छोड़ देबो। अरे सरवन, हम लोग जब भी जाते हैं कहीं बाहर घूमने चाहे शूटिंग पर, तो सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि हम लोग का जो कैमरा मैन है वो कैमरा छोड़ देता है, तो वो कैमरा छोड़ दिया, तो इसलिए अभी हम लोग गाड़ी को रास्ता में लगाए हैं। अब गया है कैमरा लाने, तो कैमरा लेके आया। बाकी अभी आपको फुल लुक नहीं दिखेगा, अभी घूंघट में मुँह छिपा हुआ है, तो बाद में चल के आपको मुँह दिखाएंगे वही घाट पे। कहाँ? अच्छा, कुछ पैसा वैसा का मतलब सेलवर तो बोल दे दियो, भेंट करे अले है। हम लोग गाड़ी जहाँ रुका थे आरोही देखी, तो दौड़े चल आई, भेंट कर ले गोर उड़ ला के जो अब भाभी के खुश रहो, खुश रहो, रुक अब गोर लग ले तो पैसा मिलता, रुक जो। फाइनली हम लोग छठ का रील्स शूट करने आ गए हैं। कहाँ पे आए हैं? पहलेजा, पहलेजा घाट पे आ गए। ये देखिए उधर पीपा पुल है और हम लोग इधर है, देखिए हम लोग उतार गए हैं, इधर बालू है ना, तो इधर से गाड़ी और भैया भाभी गाड़ी में, वो लोग गाड़ी से चले गए हैं दो लोग, बाकी हम लोग पैदल जा रहे, दो लोग पीछे हैं, तो चल के दिखाते हैं अभी। अभी यही भैया भाभी सीन धोती पहनने का, तो इनको धोती तो पहनने आता नहीं है, तो अभी दुकान पे आए, आंटी के बगल में यही सामान लेंगे, तो यहाँ से धोती पहना रही है आंटी, देख सकते हैं, और अच्छा हो गया, अच्छा से पहन लिए। हाँ, हम कलर आए थे रामायण का वीडियो शूट करने, तो ये अभी चाय पिला रहे। अच्छा, उस दिन का वीडियो आप देखे कि नहीं? देखे, देखे। कैसा लगा? ये वीडियो देख चुके हैं, तो आप लोग नहीं देखे तो जाकर देखिए। शशि, शशि ब्लॉग्स, शशि ब्लॉग्स, इनको तो आप पहचानते हैं। आ गए हैं घाट में, जो कि सब सेटअप के साथ तैयार होके, देख सकते हैं इधर एक सूप इधर है, और इधर सरवन सर, भैया भाभी, उधर अनुराग, और एक सूप उधर है। हम लोग जब छुट्टी में छठ पूजा में आते थे, तो जो वो फील आ रहा है, भीड़ बहुत है पीछे, देख सकते हैं भीड़ बहुत है, और सब नहा भी रहा है, पहलेजा घाट पे हैं हम लोग अभी। अभी छठ का अरग उरग का जो सीन होता है वो सब हो गया है, और ये पूरा सेटअप है, देख सकते हैं भीड़ कितना ही, देखिए वाला सीन हम लोग का लगभग कंप्लीट हो चुका है, बट भीड़ की वजह से लिरिक्स हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, देखते हैं हो पाएगा कि नहीं, वो तो अंत में ही पता चलेगा। और अगर नहीं होगा तो फिर जो छठ का मेन मेन होता है वो सब हम लोग कोशिश की शुरू करेंगे। देख रहे हैं ये कुछ लोग हैं जो पूजा करवा रहे हैं, बाकी हम लोग जो आए थे चैती छठ का थोड़ा बहुत सीन और मेमोरी याद करने के, क्या क्या होता है चैती छठ में वो सब कर ले, तो वो सब हम लोग कर रहे हैं। बाकी ये घाट के बीच का सीन है, सब लोग नहा रहे हैं, और इधर ये जो पूजा हो रहा है कुछ मंता दंता का लग रहा है, क्या चीज़ का पूजा हो सकता है? तो ये लोग मतलब जो होता नहीं है कि मंगलवार भी लोग करने आए हैं, और भी लोग का मन्नत पूरा करने आए, वो भी लोग आए हैं, बहुत तरह तरह की पूजा हो रहा है, बहुत लोग यहाँ से नहा धो के तब पूजा स्टार्ट। और बाकी हम लोग पीपल ब्लॉगर तो हैं नहीं, मतलब लोगों के पास जा जाकर ब्लॉग करना तो हम पूछ भी नहीं सकते कि क्या है, हम लोग जस्ट अपना काम करना, लेकिन वो देखे तो पूछने वाला एक लोग है, लेकिन उधर शर्मा के चला गया। हाँ, देवर लोग अब रील बनाने के लिए रेडी हो गया है, लेकिन दो ही आदमी है, तीसरा आदमी बेचारा
है, लेकिन ये बहुत हाई लेवल का अभी करने वाला था, ये भी सोच रहा है। बाकी ये लोग का सीन हम लोग को देख देख के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग वो लोग हम लोग को देख रहा है, हम लोग इनको देख रहे हैं कि अपना घर परिवार के साथ में है पूजा कर रहे हैं, जैसे कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, हम ध्यान नहीं दे रहे किसी के तरफ। लोग आए थे जो छठ पूजा के शूटिंग के लिए, उसके लिए इस नाव से इस पार उस पार बहुत बार किए, और फाइनली हम लोग अपना छठ का जितना भी रील्स हो सकता था जितना भी बट इतना कर ही रहे थे लोग, उस बीच में नाव की मलकिनी आ चुकी है जो कि वहाँ पे है, अब बोल रही है कि हमारे जब बोल दिए तो भागने लगी, वीडियो से डरा रही है। ठीक है, तो हम लोग को जितना भी जैसे छठ पूजा में जो भी विधि विधान होता है, जो भी होता है, जितना हम लोग से हो पाया बस ट्राई किए, बाकी तो आप लोग बताएंगे क्या था क्या। हाँ, बाकी आपको अगर रील चाहिए तो आप कमेंट करिएगा तो रील शाम तक आएगा, अदरवाइज हम लोग इंस्टाग्राम और मौज पे डालेंगे, अगर आप इस पे कमेंट कीजिएगा कि आपको चाहिए तो हम लोग दे सकते हैं। बाकी ये रहा, ये सब फल फूल लेके आए थे, और इधर से आपको साथ साथ में है जो बना रहे हम लोग, इस ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पे और मिलते हैं हम आपसे अगले ब्लॉग में। खत्म हो गया, जैसे कि आप लास्ट टेक में देख रहे थे, बाकी रील्स खत्म होने के बाद ही लोग का मन हो गया नहाने का, तो लोग जाके नहा रहे हैं, हम लोग इधर बैठे हैं जब बात कर नहा रहे हैं उधर गए नहाने, और दोनों आदमी बाजी लगा रहे हैं कि कौन तैर रहा है, दोनों आदमी बाजी लगा के दौड़ रहे हैं, लेकिन देखिए कौन जीतता है। जाइए ऊपर हो के आइएगा, ऊपर हो जाना ऊपर। तो आप बताइए कैसे हैं आप लोग, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सोना सिंह सोनू में, और ये जो आप देख रहे हैं हमारे पहलेजा घाट का सीन है, हम यहीं पे आए थे अभी शूटिंग के लिए, और जस्ट शूटिंग स्टार्ट होने के बाद ये सारा पूरा जगह हम घूमे, और ये जो दो जगह है ये हम देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि शिव जी का लिंग है वो हर समय आपको मंदिर वगैरह में दिखेगा, लेकिन यहाँ पे दिखा तो बहुत अच्छा लगा। हम यहाँ पे भी रील शूट किए थे, उसके बाद जस्ट वो जो आपको नाव दिख रहा था उस नाव पे भी जाकर कुछ रील शूट किए, वो भी बहुत अच्छा लगा, बट वो सब चीज़ आपको धीरे धीरे मिलेगा। और इस घाट पर जब आओगे तो आज नवरात्रि का फर्स्ट डे था इसलिए कुछ भीड़ ज़्यादा है, इसके आजू बाजू में दुकान है, आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा, और यहाँ पे हम किए थे बस, लेकिन ये चौकी जो है आप हर सब चीज़ का यूज कर सकते हैं, और हम ये वाला चौकी यूज किए थे, लग रहा है माइक लगा लिए तो बोलने का मन तुम्हारा भी है। बात ऐसा कुछ नहीं है, बात है जिसको काम नहीं करता वो घूम घूम के ब्लॉगिंग करता है। काम करने वाले बहुत ज़्यादा लोग आ गए थे साथ में, गाँव घर में रहने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि दो चार को भाई भतीजा साथ में मिल जाता है, लेकिन मेरा अभी सब भाई ही है, हम बाहर जहाँ पे जॉब पे हैं वहाँ पे क्या है कि ये सब चीज़ नहीं मिलता है, हम जहाँ भी जाएंगे अकेले करेंगे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा वाइफ साथ में होगी, लेकिन यहाँ पे दोस्त लोग भी हो जाता है। उसके बाद देख लीजिए कितना अच्छा सिस्टम हमारे बिहार में है, ये रसना उसना जो हम जिस टाइम में बोलते थे उससे भी बढ़िया अभी मिल रहा है, और इसके साइड में ये थोड़ा कचरा आपको दिख रहा होगा लेकिन कचरा नहीं है, कोई भी चीज़ होता है कि अगर शादी ब्याह में या पर्व त्यौहार में या कुछ भी ऐसा सूट होता है जो लगे कि फेंकना चाहिए तो उसको गंगा जी में दहलाया जाता है, ये वही है ना गंगा जी में दहलाने वाला। हाँ, लेकिन अभी क्या कि पानी थोड़ा कम हो गया तो उधर चल गया इसलिए कचरा आपको बाहर में दिख रहा है, और वो वाला जो पुल है हम बस सुने हैं कि बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन कितना फेमस है, हाँ कितना फेमस है वो अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा, वो तो हमको नहीं पता। बाकी अगर गंगा जी का पानी लेके घर पे जाना होता है तो इस गैलन में लेके जाना होता है, लेकिन हम लोग आए थे तो उनको साथ में वो केन मिला था, उस केन में लेके आए थे। अब हम चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ।